बतामे खोले में रात बीजी का सुहागरात कब मनाई बे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारे पीछे ये जो घर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जो महल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, लोग कहते हैं कि ये 125 साल पुराना है। ठीक है, सोच सकते हो 125 साल पुराना और अभी भी ये मकान अच्छा खासा है। और यहाँ पे इतना ज़्यादा फिल्म का शूटिंग हो चुका है, करीब 15-20 फिल्म शूटिंग हो चुका है यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों बिहार से और फिर नेपाल झारखंड से लोग यहाँ पे आते हैं फिल्म का शूटिंग करने। तो आज मैं वहीं पे आया हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोग पीछे हमारे देख सकते हो ये है महल। तो अभी सर से मिलाते हैं जिनका ये महल है, उनका थोड़ा इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद में पूरा यहाँ का आपको महल दिखाते हैं, क्या क्या फिल्में शूटिंग हुई हैं, ये कैसे बना हुआ है, अभी पूरा आप लोगों को दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं सर के पास में आ गया हूँ, आप लोग देख सकते हो जिनका मकान है। तो अभी सर से इंटरव्यू लेते हैं और पूछते हैं मकान के बारे में, लोग कैसे यहाँ पे आए फिल्म शूटिंग के लिए और कैसे क्या है, तो अभी सर बताएंगे। तो दोस्तों आप सब देख सकते हो इधर सर हैं जिनका ये मकान है। तो सर अपने बारे में थोड़ा इंट्रो दीजिए। जी, हम बहादुरपुर में बैठे हुए हैं, बर्नवाल फैमिली से हैं। सबको नमस्कार, खुश रहिए आप लोग। हम अपने पैतृक आवास पे इस समय बहादुरपुर में बैठे हुए हैं और यहाँ तमाम भोजपुरी पिक्चरों की शूटिंग हो गई है। सबसे पहले पिक्चर यहाँ हुई थी सात फेरों के सातों वचन, रितेश पांडे संजना पांडे जी की ये पिक्चर थी। सर ये बताइए, जैसे आपका घर इतना ज़्यादा फेमस है, लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, बिहार से झारखंड से आ रहे हैं, तो कैसे पता चला कि आपका घर ऐसा है और लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ बताइए। असल में ये लोग पुराने मकानों को काफ़ी जो है तरजीह देते हैं जी, और इनको काफ़ी अच्छा स्पेस मिला, यहाँ सिक्योरिटी मिली और जितने भी आर्टिस्ट आते हैं। और दूसरी चीज़, यूपी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है पिक्चर बनाने के लिए। हाँ, इनको सब्सिडी मिलती है, तो उस नाते जो है ये यूपी के तरफ ज़्यादा हो की है। और यहीं हमारे करीब में एक अजय सिंह जी हैं, वही लिवा के लाए थे जो है, तो ये जगह उनको पसंद आई B4U चैनल वालों को, तो सबसे पहले वही आए और वही यहाँ पहली पिक्चर सात फेरों के सातों वचन बनाए। और सर आप बता रहे हैं ये 125 साल पुराना है घर आपका। जी, यहाँ बात सही है ना। जी, हम यहाँ पांचवे पुश्त से यहाँ रह रहे हैं। देखो दोस्तों, पांचवे बाबा के पिताजी ने बनवाया था। वैसे हम लोग मूल निवासी महुआ डाबर के हैं, और जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस क्रांति में जो है अंग्रेजों द्वारा वो गांव जला दिया गया था। तो उस समय हमारे पूर्वज जो है यहाँ आए जो है, ये जंगल था, ये जंगल का एक हिस्सा है, जो बरगद का पेड़ आप देख रहे हैं इसके तरफ दिखाइए, ये लगभग 300 साल पुराना होगा और ये अभी आधा नहीं रह गया है भैया। तो कहने का मतलब है हमारे पूर्वज आए, बसे, एक तरफ बाजार बसा, एक तरफ गांव बसा, बीच में हम लोग रहे जो है। तो यहाँ खुला स्पेस होने के नाते उन लोगों को ये लुक बहुत पसंद आया जो है, इसलिए पिक्चरों की शूटिंग करते हैं लोग। तो फाइनली दोस्तों आप लोग ये जो देख पा रहे हैं महल, आप लोग देखो, तो पहले मैं आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखो कितना ज़्यादा स्पेस है इस महल के आगे, आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा स्पेस है। तो अब इसके अंदर चल के आप सभी को दिखाते हैं इस महल के अंदर कैसा दिखता है और इसके अंदर कितने कमरे हैं, सब आप लोगों को दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो सर अभी हम लोगों को अंदर ले जा रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग एंट्री कर चुके हैं महल में, और जैसे ही हम एंट्री करते हैं आप लोग देख सकते हो ये है सर का आंगन। तो आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा स्पेस है इस आंगन में। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा आप लोगों को चारों तरफ ये सब रूम बने हुए हैं। तो अभी दूसरे महल पे हम लोग चल रहे हैं, दूसरे मंजिल पर चल रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये है, चारों तरफ ऐसे गैलरी नुमा बना हुआ है और यहाँ पे जीना है। तो अभी हम लोग फिलहाल चल रहे हैं जीने पे, छत के ऊपर चलते हैं दूसरे मंजिल पे। तो आप लोग देख सकते हो ये दूसरा, अभी हम लोग जा रहे हैं तीसरे मंजिल।
अब आप लोग यहाँ से देखो कुछ इस तरह से व्यू दिखता है। और ये देखो, और अभी सर कह रहे हैं कि लोग गांव के लोग को इजाज़त नहीं है कि कोई कोई आता है देखने के लिए, तो इस नीम के पेड़ पे चढ़ जाते हैं देखने के लिए कि घर अंदर से कैसा दिखता है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से भी एक गैलरी बना हुआ। और दोस्तों आप लोग जो देख पा रहे हैं, यहीं पर रितेश पांडे जी आए थे, अपना यहाँ पर फिल्म का शूटिंग किए थे, यहीं पे ठहरे थे। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े भोजपुरी के सेलिब्रिटी यहाँ पे आ चुके हैं, तो इसीलिए हम लोग आए हैं इसको देखने के लिए कि आखिर ये घर है कैसा, कि लोग यहाँ पे आ रहे हैं और फिल्म शूटिंग कर रहे हैं। तो फ़िलहाल आप लोग देख सकते हो यही है सर का महल। तो अभी हम लोग एकदम ऊपर वाले पे हैं, देख सकते हो हमारे साथ में कई सारे लोग हैं। तो सर हमें बता रहे हैं अपने घर के बारे में, आप लोग देख सकते हो ये दूसरे मंजिल पे कुछ इस तरह से। और रूम की बात करें तो यहाँ पे करीब होगा 30-35 रूम होगा सर का। तो आप लोग देख सकते हो चारों तरफ है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं दूसरी तरफ, ये देख सकते हो ये है गैलरी। और अभी आ गए हैं आंगन में, फर्स्ट आंगन में। आप लोग देख सकते हो यहीं से फिल्म का शूटिंग का कुछ सीन लिया गया था। और बाकी मैं वो मूवी नहीं देखा हूँ भोजपुरी वाला, तो आप लोग देख सकते हो ये है सर का। और ये जो दीवार है आप लोग देख पा रहे होंगे, ये दीवार काफ़ी ज़्यादा मोटी मोटी है, करीब 2-2.5 फीट का। तो अभी हम लोग चल रहे हैं नीचे। तो फाइनली हम लोग देख चुके हैं ऊपर का जो भी था। तो आप लोग देखो, और ये देखो ये है गैलरी, और गैलरी से जीना लगा हुआ है। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं बाहर आंगन में, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से है। तो अभी आंगन आप सभी को मैंने दिखा दिया, एक बार और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग देखो कुछ इस प्रकार से, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इस महल में। आप लोग देखो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे, करीब अगर 100-150 लोग आ जाएँ तो भी दिक्कत नहीं होगा रहने में। तो कुछ इस प्रकार से। तो अब हम लोग चलते हैं बाहर। तो बाहर का आंगन आप लोग देख सकते हो, ये है बाहर का आंगन ये, और इधर। तो और दोस्तों ये देखो सर हम लोगों के लिए ले आए हैं मिठाई, तो अभी खाते हैं। जितने भी दोस्त हैं सब लोग पहले मिठाई खाते हैं, उसके बाद में फिर आगे थोड़ा बातचीत करते हैं। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये सर का मकान है, तो यहाँ पे इनका मड़ई भी है। देखो यहाँ पे झोपड़ी इसे बोलते हैं। देखो तो सर अभी जा रहे हैं अपने झोपड़ी में। तो जो गांव के लोग होते हैं वो झोपड़ी को पता होगा, तो काफ़ी ज़्यादा आनंद आता है झोपड़ी में। देखो तो सर अभी उधर से आ गए हैं मकान से, झोपड़ी में आनंद लेते हैं चल के। यहाँ पे देखो तख्त लगा हुआ है, और यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा आनंद आता है। देखो यहाँ पे तो सर अभी बता रहे थे कि यहाँ पे बॉलीवुड वाले आने वाले हैं। तो अभी तक दोस्तों भोजपुरी वाले आए हैं, सर इतना ज़्यादा फेमस हो गए। सोचो अगर एक बार अगर बॉलीवुड वाले आ गए तो सर का क्या पहचान होगा, आप लोग समझ सकते हो। जी जी, यहाँ भोजपुरी की काफ़ी पिक्चरों बनने के बाद बॉलीवुड वालों को भी पता लगा, तो वहाँ से भी संपर्क लोग किए हुए हैं, और आने वाले समय में वह लोग भी यहाँ पिक्चर बनाएंगे बहादुरपुर में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए अपने आसपास के वीडियो देखने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।